यू नो हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस? आपको पता है हिस्ट्री? थैंक यू. कितना? हाउ मच? Kottayam, I don't know how to say it. Kottayam. So guys, यहाँ पे दो kind of entry है. एक ये special entry जिसके लिए कोई line नहीं है, और एक ये entry है. इसका cost around 300 है, इसका cost around 75 है. लेकिन जो queue है वो काफ़ी ही लंबी है. So अगर आपके पास time है so आप इससे entry कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी आ सकते हैं. कहीं से रास्ता है जहाँ से आपको बोट मिलती है. टिकट हमने पीछे से ले ली है, करीबन 75 रुपीज़ का ही है. दिस इज़ ब्यूटिफुल गाइज, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर है ये. फिलहाल मैं हूँ कन्याकुमारी के अंदर, और कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर आता है, बिल्कुल एज पे इंडिया के. यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है कन्याकुमारी, और यहाँ पे एक मूर्ति है विवेकानंद की. ये दोनों ही चीज़ें एक छोटे से टापू के ऊपर बसे हुए हैं, मेन लैंड से थोड़ा सा दूर. यहाँ पहुँचने के बाद 30 रुपीज़ की टिकट और लेनी होती है ये पूरा टेम्पल एक्सप्लोर करने के लिए. एंड बहुत ही खूबसूरत है ये. जो सबसे अमेजिंग बात मुझे लगी, यहाँ पे तीन ओशियन आपस में आके मिलते हैं. आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है बे ऑफ बंगाल, आपके राइट हैंड साइड में होता है अरेबियन सी, एंड आपके सामने होता है इंडियन ओशियन. सो ये तीनों ओशियन आपस में आके मिलते हैं, और ये जो चीज़ है इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाती है. हिस्ट्री काफ़ी है इस जगह की, काफ़ी ही लंबा इतिहास है इस जगह का. यहाँ पे बीच बीच में हवाएं बहुत तेज चलती है, तो शायद मेरी आवाज़ ना आए. चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को. ये शायद तालाब या पाउंड है यहाँ पे, और ये है विवेकानंद की मूर्ति यहाँ सामने. यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, अगर यहाँ एक ब्रिज बन जाएगा तो आसानी रहेगी जाने के लिए. So is this first time you guys are here? Second time. Do you like this place? Yeah. Acha. Bahut acha. Do you know history of this place? Nahi. Aapko pata history? Nahi. Like to travel.
चुका है बाय बोलने का इस प्लेस को। यहाँ से हम अपनी फेरी लेंगे वहाँ मेन लैंड तक। ये एक फेरी जा रही है और ये एक आ रही है। वैसे गाइस इस रोड पे चलते चलते ये देखो यहाँ पे एक पूरा फार्म है जिस पे सिर्फ केले ही केले लगे हुए हैं, फिलहाल कच्चे हैं। ग्रैब दिस, थैंक यू। कितना, हाउ मच? फाइव। आई गॉट इट। व्हाट इज इट्स नॉट, यू कांट बाय इट देयर फॉर्स। सो दे विल टेक, they'll put it in front of the house for decoration. So this is for marriage, huh? For marriage. I mean, that's how you decorate. Any other it's called tender.